और पार्ट नंबर 38 में लेके आए आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। ये टेंस जो है जो तेजस्वी विद्यार्थी हैं इनकी बहुत अच्छी तरीके से खबर लेता है, मतलब जितने तेजस्वी विद्यार्थी हैं वो भी बहुत ध्यान से देखेंगे इस टेंस को, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। देखिए इस टेंस को जो है दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आप इसके बारे में देख लीजिए, ठीक है, इस टेंस को दो भागों में बांट दिया गया है। दो प्रकार के आपको टेंस सेंटेंस मिलेंगे इस टेंस में, और वो भी बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला तो आपका है सिंपल सेंटेंस है आपके, ओके, सिंपल टाइप के मिलेंगे आपको साधारण, और दूसरे जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। अब दोनों के बारे में बता दें आपको, सबसे पहला सिंपल है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। और ये जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है इसको हम दो टाइप से पढ़ाएंगे, मतलब दो पार्ट में रहेगा। पार्ट नंबर 39 में भी आपको यही पढ़ाएंगे, लेकिन वो रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको सिंपल वाला सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं, और ये थोड़ा ठीक लॉन्ग रहेगा प्रोसेस, ठीक है, विधिवत आपको पढ़ाएंगे, दोनों प्रकार के सेंटेंस लेके चलेंगे। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके सिंपल वाले सेंटेंस हैं, ठीक है, और पार्ट नंबर 39 में आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स वाले, ठीक है, ओके। तो इनका मतलब बता दें, जैसे मैंने कहा मैंने पहले कभी आगरा नहीं देखा था, या मैंने कभी पहले, ठीक है, मैं कानपुर नहीं गया था, तो वो सेंटेंस आ जाता है सिंपल में। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि दो घटनाएं होती हैं, दो सेंटेंस होते हैं, एक दूसरे से बहुत गहन संबंध रखते हैं, दोनों सेंटेंस दोनों घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, दो सेंटेंस है और दो घटनाएं हैं, ठीक है, चोर के आने से पहले, या सॉरी पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, ठीक है, तो वो किसमें चला जाता है? कॉम्प्लेक्स। किसमें चला जाएगा? कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, मतलब दो टाइप के सेंटेंस है और दोनों घटनाएं जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, समझ आया, ठीक है, तो वो किसमें चली जाएंगी? कॉम्प्लेक्स में। तो आज हम बताने जा रहे हैं वो सिंपल है, और सिंपल तरीके के ही नियम रहेंगे, जो आज हम रूल बताने जा रहे हैं, रूल बताएंगे, पहचान बताएंगे, वो सब सिंपल तरीके के ही रहेंगे। और कॉम्प्लेक्स वाले रूल होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते, हम जो बताएंगे तो आसान ही हो जाएंगे, ठीक है, दिखने में आप कठिन होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वाले बताएंगे आपको पार्ट नंबर 39 में, 39 में, और आज आपका है सिंपल, ठीक है, एकदम साधारण। तो ये हमने आपको बता दिया है कि इस टेंस को सेंटेंस दो प्रकार के आपको मिलेंगे इस टेंस में। पहला तो मिलेगा आपके सिंपल वाले एकदम मिलेंगे जो साधारण होंगे, और एक ऐसे मिलेंगे जो कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस दे रखे होंगे, मतलब एक ही सेंटेंस में दो घटनाएं होंगी और दोनों घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब अलग अलग सेंटेंस हो, ठीक है, एक ही दूसरे से संबंधित घटनाएं रहेंगी। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके सिंपल सेंटेंस हैं, लिख भी देते हैं कौन से सेंटेंस हैं इसके, सिंपल सेंटेंस, ओके, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस हैं, और इसके नियम बता पहचान बता देते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस का ही पहचान रहेगी, ठीक है, पहचान बता देते हैं और फिर बताएंगे नियम, ओके, ठीक है। तो ये जो टेंस है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको सिंपल सेंटेंस भी पढ़ने को मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स वाले भी पढ़ने को मिलेंगे सेंटेंस, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हम बाद में बताएंगे, क्योंकि एक एक चीज एकदम विधिवत चलाएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे तभी समझ में आएगा, वरना सिंपल भी सेंटेंस बताते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स भी बताते जाएंगे, फिर आया फिर कॉम्प्लेक्स फिर सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स, तो उसमें आपको भी कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो देखिए पहचान, पहचान जिस वाक्य के अंत में, जैसे चुका था या चुके थे, ठीक है, या चुकी थी, ठीक है, ठीक है, बहुत सरल है, ठीक है, पहचान चुका था, चुके थे, या चुकी थी, या लिया था, आया था, गया था, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, आया था, लिया था, खाया था, गया था, ठीक, पिया था, लिए थे, ठीक है, ये वर्ड भी आपको मिल सकते हैं इन्हीं की जगह। जैसे हम कहें कि मैंने खाना खा लिया था या फिर मैं खाना खा चुका था, एक ही बात है, ठीक है। नियम क्या रहेंगे? नियम आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम क्या रहेंगे कि
आपको सबसे पहली बात चाहे एक वचन हो, क्या हो भैया, चाहे आपका एक वचन हो और चाहे आपका बहुवचन हो, क्या हो, बहुवचन करता हो, चाहे आपका एक वचन करता हो और चाहे आपका बहुवचन करता हो। ज्यादातर आपने देखा जो पास्ट टेंस है उसमें एक वचन बहुवचन का लोचा ही खत्म है, आपको ध्यान ही नहीं देना, ठीक है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में रहता है भाई बेर, ठीक है। फिर से देखिए, एक वचन करता हो और चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे, हेड का प्रयोग करेंगे, क्या लगाएंगे, हेड, एच ए डी, हेड का प्रयोग करेंगे, क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। और नंबर तीन है कि क्रिया की तीसरी अवस्था, क्या, क्रिया की तीसरी अवस्था। ये एकदम सिंपल वाले नियम है आपके, कॉम्प्लेक्स वाले नियम आएंगे तो और दिमाग घूमेगा, लेकिन हम आपका दिमाग घूमने नहीं देंगे, हम बताएंगे बहुत आसान भाषा में, एकदम सरल तरीके से, ठीक है। क्रिया की तीसरी अवस्था, ठीक है, यानी कि वर्ब की, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक आपको सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, एक आपको कॉम्प्लेक्स वाले मिलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स वाले आपको नियम आपको बाद में बताएंगे, आज आपके सिंपल सेंटेंस है, जैसे पहचान क्या होगी, लास्ट में आपको चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे, खाया था, ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। जैसे अगर हम कहें कि मैंने खाना खा लिया था, यानी कि मैं खाना खा चुका था, एक ही बात है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। नियम क्या रहेंगे, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, ठीक है, क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे, हेड के साथ में आपको पता होनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, यानी क्रिया की तीसरी अवस्था आएगी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोगों से हमारा निवेदन है, फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि जो पढ़ने वाले आपके दोस्त हो, जो भी पढ़ने वाले, उनके पास वीडियो शेयर कर दिया करो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो आपकी महान कृपा होगी। अब सेंटेंस पे आ जाइए भाई, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी बनाइएगा और बाद में मैच कीजिएगा, ठीक है, हम बनाए तब। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अगला है, 7 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थीं, 7 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी, ठीक है, 7 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। ये देखिए, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो मैं आई हो जाएगी, और पहले ही इंग्लिश क्या लिखते हैं, ऑलरेडी। फिलहाल पहले ही के लिए इंग्लिश दो होती है, एक बिफोर होती है, एक ऑलरेडी होती है। ऑलरेडी मीन्स भी होता है पहले ही, और बिफोर मीन्स भी होता है पहले ही, लेकिन यूज इन दोनों का अलग अलग होता है। ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे तो कर्ता के साथ में आता है ऑलरेडी, अगर बिफोर का प्रयोग करेंगे तो बिफोर का प्रयोग बिल्कुल कर्ता के बाद में जाता है, ठीक है, तो ऑलरेडी लगा लीजिए या बिफोर, चलो बिफोर से बना लेते हैं, ठीक है, तो बिफोर ध्यान रखना, बिफोर एकदम बाद में रहेगा सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में। देखिए, आई हैड रहेगा, कर्ता क्या है आपका, हैड, अभी बताया था ना, आई हैड, सुनने क्या होती, हियर, तो हियर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या, यह समाचार, दिस न्यूज, ठीक है। अब पहले एक लिए क्या लगाएंगे, बिफोर, ठीक है,
अंतर इतना है कि अगर हम बिफोर लगाएंगे तो लास्ट में रहेगा सेंटेंस के बिल्कुल बिफोर, अगर आप ऑलरेडी लगाएंगे तो वो कर्ता के साथ रहेगा। ठीक है, अगला देखिए 7 बजे तक। अब 7 बजे तक की भी इंग्लिश दो लिख सकते हैं, 7 o'clock कर सकते हैं। तो 7 o'clock करेंगे तो सबसे पहले यही रहेगा, अगर हम 7 o'clock करेंगे तो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में जाएगा। तो चलिए इसको 7 से बना लेते हैं। बाई सेवन ओ क्लॉक, ओके, 7 ओ क्लॉक, सब दुकानें, ठीक है, ऑल शॉप्स, ठीक है, ऑल शॉप्स, सब दुकानें बंद हो चुकी होंगी, हैड हैड क्लोज, ठीक है, फुल स्टार। फिर से मैच कर देते हैं, शायद कहीं पे कोई प्रॉब्लम रही है। आई हेड रहेगा, ठीक है, कर्ता हेड है, आई हेड हियर, ठीक है, दिस न्यूज, सॉरी यहाँ पे न्यूज होगा, न्यू नहीं न्यूज, ठीक, इसीलिए मैच करते हैं दोबारा, ठीक है, आई हेड हियर दिस न्यूज, और पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर, 7 o'clock, 7 बजे तक, ठीक है, ऑल शॉप सभी दुकानें हेड क्लोज, क्या हो गई होंगी, बंद हो गई होंगी, ठीक है। आप लोग सबसे पहले बना लिया करो, बाद में जब हम बनाए तो मैच कर लिया करो, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। और फिर बता रहे हैं कोर्स आपको कोई भी अटेंड करना है, निरंतर अटेंड करें, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, आपको निरंतर अटेंड करना है। ये पढ़ाई के साथ में खिलवाड़ नहीं करते, अरे हाँ पढ़ लेंगे जो है वो, तो ये ऐसे विद्यार्थी कहीं के नहीं तैरते। फिर 18 वर्ष की अवस्था में अठारह वर्ष की अवस्था में मैं ग्रेजुएट हो गया था, मैं ग्रेजुएट हो गया था, मैं ग्रेजुएट हो गया था, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है, मैं ग्रेजुएट हो गया था। चाय के समय तक हमारी टीम हमारी टीम 300 रन हमारी टीम 300 रन बना चुकी थी। बहुत बढ़िया, देखो सेंटेंस है, तीन सौ रन बना चुकी थी। अब जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, 18 वर्ष की अवस्था में मैं ग्रेजुएट हो गया था। अच्छा, कोई किसी की उम्र रखता है, मतलब वो इतने वर्ष का था, इतने वर्ष की अवस्था में, ठीक, इतने साल में, ठीक है, उसका ग्रेजुएट हुआ या उतने साल में, ठीक है, जो भी हुआ, ठीक है, तो मतलब एज के लिए, ठीक है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। ये देखिए यहां पे लिख रहे हैं एट, ठीक है, एट द एज ऑफ, इसका ध्यान रखेंगे, ये वर्ड यूज करेंगे अवस्था के लिए, एट द एज ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना, एट द एज ऑफ, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, 18 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, क्या हो जाएगा, एट द एज ऑफ, ठीक है, एट द एज ऑफ 18 वर्ष की अवस्था में, 18
एटीन ईयर्स, ठीक है, एटीन ईयर्स एट द एज ऑफ एटीन ईयर्स, ठीक है, एटीन ईयर्स मैं ग्रेजुएट हो गया था, आई, ठीक है, आई हैड, ठीक है, आई हैड बिकम, आई हैड बिकम ए ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट, डी बनी है यहां पर ध्यान रखना, ठीक है, ग्रेजुएट। अगला देखिए, चाय के समय तक हमारी टीम 300 रन बना चुकी थी। अच्छा, चाय के समय तक के लिए क्या लिखेंगे, बाय टी टाइम होना चाहिए और क्या, बाय टी टाइम हमारी टीम, तो अवर अवर टीम। अच्छा, रन बनाने के लिए स्कोर होता है ना, कहते इतना कितना स्कोर हो गया, इतना स्कोर है ना, तो स्कोर, ठीक है, स्कोर कितना स्कोर हो गया था भैया, 300 रन, ठीक है, एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक, 18 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, मैं करता गया मैं, तो आई हैड क्या हो गया था, ग्रेजुएट हो गया था, तो बिकम, ठीक है, बिकम ए ग्रेजुएट, ठीक है। फेंकला देखिए, चाय के समय तक, तो क्या हो जाएगा, बाय टी टाइम, चाय के समय तक, ठीक है, या टिल का भी प्रयोग कर रहे, लेकिन जब टिल लगाएंगे तो पहले नहीं बाद में रहेगा, ठीक है, हमारी टीम, करता क्या, हमारी टीम, तो अवर टीम, ठीक है, यहां पे एक मिस हो गया, हेड लगेगा, क्या लगेगा, हेड, ठीक है, हेड, ठीक है, अवर टीम हेड, चलो नीले से लिख देते हैं, ओके, अवर टीम हैड स्कोर्ड, कितना स्कोर किया है भैया, 300 रन, तो 300 रन्स, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, बाय टी टाइम, चाय के समय तक, अवर टीम, हमारी टीम ने, हैड स्कोर्ड, क्या होगा, हैड स्कोर्ड, कितना स्कोर बनाया भैया, 300 रन, मतलब 300 रन का स्कोर बनाया, ठीक है। और ऊपर वाला देख लीजिए, अगर कहीं पे किसी की अवस्था है, जैसे 15 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, तो उसके लिए हम दे लिखते हैं एट द एज ऑफ, क्या लिखते हैं, एट द एज ऑफ, और यहां पर वो एज लिख देंगे 15 ईयर, 12 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर, जो भी हो, ठीक है, तो वही देख लीजिए, एट द एज ऑफ, ये कितने साल के हैं, 18 वर्ष के, तो कितना लिख दिया, 18 ईयर्स, ठीक है, इस चीज को सीख लीजिए, ठीक है, तो एट एज, ठीक है, एट द एज ऑफ का प्रयोग करके बनाएंगे, ठीक है, और सेंटेंस हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से, तो इसको भी हम मिटा सकते हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक है। और कहीं पे जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बता देना, कहीं पे कोई डाउट रह गया, डाउट तो छोड़ते नहीं, पहली बात। अगला देखिए, वह 5 बजे तक यहां आ गया था, ये तो आप लोग अपने बना ही सकते हैं, बहुत सरल सेंटेंस है, वह 5 बजे तक, वह 5 बजे तक यहां यहां आ गया था, आ गया था, ठीक है, ये सेंटेंस है जैसे, ठीक है, हमने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था, अरे हमने इतना मोटा व्यक्ति, हमने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था, कभी नहीं
देखा था। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। वह 5 बजे तक यहां आ गया था, वह, ठीक है। या फिर इसका 5 बजे तक इंग्लिश पहले भी लिख सकते हैं, बाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, बाय का प्रयोग अब की नहीं करेंगे, बाय का प्रयोग बहुत कर चुके हैं, ठीक है। अब हम टिल भी लगाएंगे, वरना टिल नाराज होगा, कहेंगे हमारा प्रयोग करते ही नहीं है, बाय बाय लगा रहे हो, ठीक है। तो ई सॉरी ही हैड, ठीक है, ही हैड कम, ही हैड कम, कहां कम, हेयर कम, हेयर 5 बजे तक। अब लगाएंगे टिल 5 o'clock, 5 o'clock, ठीक है, फुल स्टॉप। तो बहुत बढ़िया बन गया सेंटेंस, ठीक है। ये वाला देखो, इसको हमने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। अच्छा, पहले कभी नहीं देखा था, पहले, अच्छा पहले इंग्लिश क्या होगी, बिफोर, बिफोर का बाद में लगा लेंगे, छोड़ो उसको। फिर क्या आया, कभी नहीं, तो हैड नेवर होगा ना, बी हैड नेवर, क्या होगा, बी हैड नेवर, ठीक है, बी हैड नेवर, बी हैड नेवर, क्योंकि कभी नहीं आ गया भैया, बी हैड नेवर देखा था, सीन, सी की थर्ड फॉर्म आएगी, सीन, कैसा व्यक्ति, इतना मोटा व्यक्ति, तो सच ए फैट मैन, सच ए फैट मैन बिफोर, ठीक है, फुल स्टॉप। अब दोनों सेंटेंस फिर से मैच करते हैं, देखिए, वह 5 बजे तक, यहां पर हम टिल से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, टिल से, ठीक है, टिल को भी एक बार मौका देते हैं, ही, ठीक है, हैड कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है, यहां आया था तो क्या कर दिया, हेयर 5 बजे तक, टिल 5 o'clock, हमने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा, तो हमने करता हो गया, बी क्या लगाएंगे, हैड, तो कभी नहीं के लिए इंग्लिश क्या होगी, नेवर, क्या होगी, नेवर, देखा था, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन, सी सा सीन होती है, सीन हो गई, इतना मोटा व्यक्ति, तो सच ए फैट मैन, क्या होगा, सच ए फैट मैन, इतना मोटा व्यक्ति की इंग्लिश क्या होगी, सच ए फैट मैन, फिर से देख लीजिए, इतना मोटा इंग्लिश क्या होगी, सच ए फैट मैन, इतना मोटा व्यक्ति, और पहले बिफोर, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा देख करके देख लेना वीडियो, ठीक है, और हम तो अगले सेंटेंस बताएंगे, और दो ही सेंटेंस रह गए हैं, ठीक है, इनको भी आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, और फिर सेंटेंस आपको 39 में बहुत बढ़िया सेंटेंस, वो भी कठिन सेंटेंस है, लेकिन हम आसान बना देंगे सेंटेंस, और ऐसे सेंटेंस स्टोरी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और विद्यालय में भी बनवाए जाते हैं, और फिर बच्चों को खूब जो है, ठीक है, पिटाई की जाती है, तो कठिन सेंटेंस है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, है ना, प्रधानाचार्य के आने से पहले चपरासी ने घंटी बजा दी थी, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बहुत आसान भाषा में समझाएंगे आपको अच्छी तरीके से, और नियम भी आपको इस तरीके से बता देंगे एकदम सरल, ठीक है, हालांकि होते हैं कठिन, लेकिन सरल बना देंगे सेंटेंस नियम। अगला सेंटेंस है, देखिए, मैंने, ठीक है, मैंने आगरा पहले कभी नहीं देखा था, अरे मैंने, ठीक है, मैंने आगरा पहले पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है, मैंने पहले आगरा, ठीक है, मैंने आगरा पहले कभी नहीं देखा था। अगला है, मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था, तुम्हारा पत्र नहीं मिला था, नहीं नहीं मिला या नहीं मिला था, ठीक
ठीक है, था लगा लो। अच्छा, या था नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये निगेटिव का सेंटेंस हो गया है। ठीक है, अब आ गया है निगेटिव का सेंटेंस। ठीक है, तो बना देते हैं फिलहाल। ठीक है, फिलहाल निगेटिव सेंटेंस आपको, ठीक है, आगे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल निगेटिव सेंटेंस आ गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने तो आई, ठीक है, पहले कभी नहीं, इसमें कभी नहीं लगा है, तो आई हैड नेवर होगा। क्या होगा? आई हैड नेवर। ठीक है, आई हैड नेवर। अब यहाँ पे आगरा के लिए जैसे यहाँ पे लगाना है, जैसे आपको देखा है, ठीक है, तो यहाँ पर सीन आया है किताब में, तो मेरे हिसाब से आप विजिट लगाइए। ठीक है, जब हम कहीं शहर घूमने जाते हैं, शहर कोई वस्तु नहीं है, सीन दे रखा है किताब में, तो आप लगा भी सकते हैं, हम गलत नहीं बता रहे उसको भी। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे आप कहीं शहर जाते हैं घूमने, शहर जाते हैं, जैसे आगरा आप शहर घूमने गए, तो आगरा आप वहां आगरा विजिट किया है ना, देखा है शहर, तो कोई वस्तु थोड़ी है जो आपने उसको सीन कर लिया है। ठीक है, तो विजिट किया भी प्रूव कर सकते हैं, सीन भी लगा सकते हैं। तो यहां तक, जहां तक रहेगा, विजिट लगाइए। आई हैड नेवर विजिटेड, ठीक है, या सही नहीं लगा लीजिए, ज्यादा विचार मत कीजिए। आई हैड नेवर सीन क्या, आगरा, और पहले, ठीक है, और विजिट मतलब शहर घूमना भी होता है, दौरा करना भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां तक देखा है, अगर सेंटेंस में देखा बोल रहा है, तो फिर आप बिना सोचे समझे सीन ही कीजिएगा, जहां तक सही रहेगा। ठीक है, ठीक, मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला था। मुझे आई, ठीक है, आई नहीं मिला था, तो आई हैड नॉट, आई हैड नॉट, यानी कि रिसीव नहीं किया। RECEIVED, रिसीव्ड। ठीक है, आई हैड नॉट रिसीव्ड किसका, तुम्हारा पत्र, योर लेटर। ओके, योर लेटर आज तक, तो टिल टुडे। ठीक है, फुल स्टॉप। एक बार फिर से मैच करते हैं सेंटेंस, देखिए, मैंने आगरा पहले कभी नहीं देखा था, तो आई, ठीक है, हैड कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता, सॉरी, सेंटेंस में देखा था, तो सीन ही लगा लीजिए। ठीक है, विजिट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिलहाल वो भी लगा सकते हैं। सीन क्या, आगरा, पहले तो बिफोर। ठीक है, मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला, तो आई हैड नॉट रिसीव्ड, मतलब रिसीव नहीं किया ना, तो आई हैड नॉट रिसीव्ड किसका, योर लेटर। ठीक है, और टिल टुडे मतलब आज तक, क्या लिखेंगे, टिल टुडे। उम्मीद करता हूं आज जो हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा है, हालांकि कोई ज्यादा कठिन रूल भी नहीं थे, सरल रूल थे। रूल क्या था, एक वचन हो बहुवचन हो, हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। बट हेड के साथ में वर्ब की कौन सी अवस्था आती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी आती है भैया, थर्ड फॉर्म आती है। बस यही आपके रूल थे, छोटे से और प्यारे से, आप समझ गए होंगे। अब हम पार्ट नंबर 39 में लेके आएंगे कम्प्लेक्स वाले सेंटेंस। कैसे लेके आएंगे, ये कम्प्लेक्स वाले सेंटेंस भी आपको पढ़ा देंगे, वो भी अफर्मेटिव तरीके से। कौन से सेंटेंस पढ़ाएंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव वाले सेंटेंस पढ़ाएंगे, और फिर हम निगेटिव वाले सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो इस जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये बहुत ही थोड़ा टफ रहेगा। फिलहाल मेरे हिसाब से हम आपको टफ नहीं होने देंगे, मतलब सरल तरीके से समझा देंगे, दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन आपको ध्यान से अटेंड करना है, हर पार्ट जो है अटेंड करना है और ध्यान से समझना है। तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है, डाउट रहता है, तो आप कमेंट में बताना, ठीक है, सॉल्व करेंगे। और वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करना, धन्यवाद।